एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे। यार मैं आ गया हूँ वाइजैक, पीछे है मेरे बे ऑफ बंगाल, पूरा समंदर। लेकिन यहाँ पर जो मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल जगह है। ये है एक सबमरीन, एक रियल सबमरीन जो इंडियन नेवी यूज किया करती थी, जिसको अब रिटायर कर यहाँ पर 2002 से म्यूजियम बना दिया गया है। इस सबमरीन का नाम है INS कुरसुरा, एंड ये एक्चुअली कभी समंदर में तैरती थी, एंड अंदर जो भी हम देखेंगे वो सब रियल होने वाला है। बड़ा ही एक्साइटेड हूँ मैं। ये एक लौता सबमरीन म्यूजियम है ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इवन व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड साउथ एशिया में ये एक लौता सबमरीन म्यूजियम था, एंड दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कम्प्लीटली फिनोमिनल। इसके कॉस्ट क्या है, अंदर कैसे दिखता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इसी व्लॉग के अंदर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड लेट्स गो। ये आपको इसका फुल व्यू दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टिकट कॉस्ट जो है अडल्ट की 40 रुपीज़ लगती है, लेकिन मैंने वीडियो के लिए भी लिया है टिकट तो 240 रुपीज़ हो गया है मेरा, 200 रुपीज़। अगर आपको फ़ोन से भी वीडियो लेना है, सिर्फ फ़ोटोज़ लेना है, तो आप लोगों को शायद 50 रुपये या कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या 40 रुपये कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, लेकिन आपको वीडियो पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए, बाहर कुछ जैसे इंडिकेटर बॉयज़, टॉर्पीडोज़, ये बेसिकली एक मिसाइल होता है सबमरीन का, वो सब लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सबमरीन का हाइट, लेंथ। इसकी डिटेल्स भी मैं बताता हूँ अंदर चल के, आपको थोड़ा समझ के। यहाँ पर देखिए, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इसे 9 अगस्त 2002 को इनॉग्रेट किया था, एंड तब से ही ये बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वाइजैक का। एक्सटीरियर जो है बहुत सुंदर है, एंड अभी इंटीरियर भी बहुत इंट्रीगिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट इनसाइड क्विकली। तो वहाँ से हम एंटर किए, एंड यहाँ पर देखिए आप बे ऑफ बंगाल के नज़ारे, बहुत ही सुंदर व्यू है। वहाँ पर आप वो डॉल्फिन्स नोज, एक बहुत ही फेमस वो भी एक स्पॉट है, एंड वहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट, एंड यहाँ पर खड़ा है आपका सबमरीन। तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर, आज बहुत अच्छा वेदर है, गर्मी नहीं है। ये सीढ़ियाँ ऑफकोर्स एक्स्ट्रा लगाई गई है ताकि टूरिस्ट जो है इसके अंदर जा सके, एंड यहाँ पर आ जाती है आपकी एंट्रेंस। एंट्री करके मैं आप लोगों को फर्स्ट लुक दिखाता हूँ, आई एम श्योर अंदर भी कोई चेक करेगा कि मेरे पास टिकट है या नहीं। एंड ये देखिए, हम सबमरीन के अंदर एक्चुअली एंटर कर चुके हैं, एंड जैसा मूवीज़ में देखते हैं वैसा ही दिख रहा है सबमरीन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। राइट, सो यहाँ से हमने एंटर किया, एंड एंटर करते हमको कंपार्टमेंट 1 दिखता है। आई थिंक ये टॉर्पीडोज है जहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हैं, एंड दिस इज़ द टॉर्पीडो ट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है टू लॉन्च फायर टॉर्पीडोज, एंड दिस इज़ द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम जिससे कि फायर होती थी। फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम इन साउथ ईस्ट एशिया है, ये नॉट इन साउथ एशिया बट साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंस्ट्रक्शंस क्लियरली है टिकट के बिना फोटो या वीडियो मत निकालना, तो मैंने वीडियो की टिकट ज़रूर ली है। एंट्रेंस पे अभी तक कोई हमें मिला नहीं है जो गाइड कर सके, समझा सके, तो खुद ही समझने की कोशिश हो रही है। बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी रॉ है अंदर, कुछ भी कवर्ड नहीं रहता सबमरीन में। अब आगे चलते हैं, ये तो सिर्फ एंट्री थी, लेट्स गेट इनसाइड। ऑफ कोर्स ये एंट्री हमारे लिए है क्योंकि ये कस्टमाइज़ किया गया है शिप, ऑब्वियसली यहाँ से नहीं घुस सकते थे। जो यहाँ पर मेन सर्व करते थे वो ऊपर से चढ़ के आते हैं, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, ये वाला यहाँ पर देखिए ऊपर जो हैच दिख रहा है उसको खोल के एंटर किया जाता था, क्योंकि बाकी तो सबमरीन पानी के अंदर रहती थी। सो दिस हैज़ ऑब्वियसली बीन कस्टमाइज चेंज्ड फॉर टूरिस्ट, बट दिस इज़ फ्रॉम वेयर वी एंटर। आई थिंक दिस इज़ द बैक साइड जहाँ से टॉर्पीडोज मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, एंड नाउ वी आर गेटिंग इन टू द केबिन्स। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो पूरा देखिएगा और बने रहिएगा। आपके कमेंट्स करके बताइएगा आप यहाँ पर आए हो कभी या ऐसा कुछ देखा है आपने। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये देखिए वॉश स्पेस एंड सबमरीन, हमने सभी ने शायद वो मूवी देखी है ना गाजी, उसमें हमको सबमरीन का वर्किंग समझने देखने मिला था, कितनी बहादुरी से हमने पाकिस्तान के नेवी को सबमरीन को डुबाया था। दिस इज़ नॉट द सबमरीन दैट डिड दैट, दैट वॉज अ डिफरेंट सबमरीन, बट ऑफकोर्स लुक एंड फील अंदर कैसा रहता है, एक ऑलमोस्ट सेम है। सो दिस इज़ द कंपार्टमेंट 2। अगेन यहाँ पर कोई गाइड नहीं है सरप्राइजिंगली, और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि वॉट दिस कंपार्टमेंट्स मीन, अदरवाइज वी कुड हैव अंडरस्टूड दिस बेटर। ये देखिए, आई थिंक दिस इज़ कैप्टन केबिन, तो आप कैप्टन होंगे इस शिप के, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा ही स्पेस मिलता है, बिकॉज सबमरीन के अंदर एक एक इंच जो स्पेस है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। डोंट हैव द लग्जरी ऑफ स्पेस, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ कैरिंग टू मच वेट, इसलिए आप देखोगे कुछ भी कवर्ड नहीं है, सब कुछ ओपन है। यार दिस इज़ द सोनार सेट, तो यहाँ पर बैठ कर अगर कोई और सबमरीन है या और कोई शिप्स है तो उससे पता चलता था यहाँ से बैठ कर। अगेन PNS गाजी, जो गाजी मूवी थी उसमें भी हमने देखा,
एंड यहाँ पर है लोगों के सोने की कैबिन। ऑफ कोर्स सब लॉक्ड है, अंदर नहीं जा सकते, बट वंस अपॉन अ टाइम दिस वाज रियल, ये यूज हुआ करता था। और आज भी जो सबमरीन्स है उनमें ऐसे ही लाइफ रहती है। दिस इज व्हाट दे हैव, यहाँ पर उनको मील्स खाना रहेगा अपना। सो स्मॉल, एवरीथिंग इज सो स्मॉल। अकोमोडेशन फॉर 4 ऑफिसर्स यहाँ पर, बाप रे, मतलब आप हिल नहीं सकते यहाँ पर। एंड जब सबमरीन डाइव करती है तो फिर काफी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक अंदर ही रहती है पानी के। एंड यू हैव टू लिव इन दिस स्पेस, दैट्स इट। ना कोई आवाज, ना कुछ बाहर, ना कुछ अंदर। यहाँ पर आपको खाना खाना है। आई एन एस अरिहंत, मेरा नाम भी अरिहंत है, इंडिया की न्यूक्लियर क्लास सबमरीन। ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है, बैटरी पिट। वी आर नॉट अलाउड टू गो हियर, बट देन लेट्स मूव अहेड। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कैबिन है और चीफ इंजीनियर के लिए, सो दो ही लोग यहाँ पर सो सकते हैं। बाकी कुछ स्पेस एक्स्ट्रा उनको भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर अब हम एंटर करेंगे कंपार्टमेंट 3 में। तो नाउ वी हैव एंटर्ड द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट 3। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, एंड यू कैन इमेजिन इतने सारे लोग हैं, इट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। सब कुछ मतलब आपकी आंखों के सामने है यहाँ पर। एंड जो लोग इस शिप में रहकर सबमरीन में तैरते होंगे उनका आप हालत सुन सकते हो। ये है देखिए ऊपर का हैच जहाँ से आप एक्चुअल में एंटर करते हो सबमरीन से। सो दिस ओपन्स अप इन द एयर एंड द रेस्ट ऑफ द सबमरीन इज ऑलवेज सबमर्ज्ड इन वाटर। एंड यहाँ से ऊपर से आप एंटर करते हो। बट सीरियसली जस्ट लुक एट इट, सो ओवरवेलमिंग। आप एयरक्राफ्ट में जाते हो या और किसी भी कन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो इतना कुछ आपको ओपनली नहीं दिखता, इतनी मशीनरी, एवरीथिंग इज कवर्ड। बट यहाँ पर जैसा मैंने कहा, हर एक स्पेस, हर एक छोटी सी जगह का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 1971 एंड दिस इज़ द कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आप जब वो गाजी मूवी का याद करोगे तो आपको सब ये जो इक्विपमेंट्स है, सब ये जो एरियाज़ है आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम वहाँ पर दिखाया गया था। इट्स ऑलमोस्ट, और मे बी इट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड दैट गोइंग इन टू स्पेस, गोइंग इन टू वाटर्स एंड स्टेइंग देयर फॉर सो मेनी मंथ्स। एंड यू कैन जस्ट सी यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अभी मैं कंपार्टमेंट 3 से नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जा रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू द एंट्रेंस। मैं 5 feet 9 inches का हूँ, एंड इवन आई कांट गो देयर विदाउट बेंडिंग। तो अगर कोई ऑफिसर लंबा होता है या कोई टूरिस्ट भी लंबा होता है, सो यू विल नॉट बी एबल टू कम हियर। इवन इन फैक्ट स्टैंडिंग आई एम जस्ट अबाउट एबल टू स्टैंड अप स्ट्रेट। एक्चुअली थोड़ा सा आर्च्ड हूँ मैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टैंड अप स्ट्रेट ऑल्सो फॉर इवन अ गाई ऑफ एवरेज हाइट लाइक मी। तो लंबे लोग आएंगे तो भैया, आई एम जस्ट थिंकिंग जो लंबे ऑफिसर, बिकॉज जनरली ऑफिसर जो होते हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, बिल्ड बहुत अच्छी होती है, एंड फॉर देम टू सर्वाइव ओवर हियर इज अ नाइटमेयर। फिर कंपार्टमेंट 3 से निकलकर हम कंपार्टमेंट 4 आई एम प्रज्यूमिंग, क्योंकि टूटा हुआ है वो। लेकिन यहाँ पर देखिए मॉर्स कोड का यूनिट है, आपको जब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते बातों में, आपको मॉर्स कोड में कोई मैसेज भेजना होता है, यानी कि डॉट्स एंड डैशेस, टक 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 टक, तो यहाँ से आप भेजोगे अपने सरफेस पे, अपने जो भी नेवल कमांड है उसको, सो दैट द अदर पर्सन, द एनिमी कैन नॉट इंटरसेप्ट और इंटरप्रेट योर मैसेज। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एन एस कुरसुरा कमीशनड एट RIGA 18 December 1969, एंड आई थिंक दीज वेर द पीपल हु वर associated with its commissioning and its operations. तो 1969 की ये सबमरीन शिप है। एंड यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बर्नर्स यूज फॉर बर्निंग हाइड्रोजन एमिटेड बाई सबमरीन बैटरीज टू रिड्यूस हाइड्रोजन परसेंटेज इन कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, सब जो बाकी केमिकल्स है, जो बाकी या फिर जो गैसेज है उनको भी आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी पूरी मशीनरी दिखाई गई है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कितना बोलूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज द किचन ऑफ सबमरीन। अरे बाप रे, इडलियाँ बन रही है यहाँ पर, किसी को खाना हो तो। कितने सालों से इडलियाँ यहीं पर है पता नहीं, बट दिस इज जस्ट व्हाट यू हैव एज अ किचन ओवर हियर। यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे उनका खाना बनेगा। ऑलराइट, अभी तक आई थिंक हाफ सबमरीन हम कवर कर चुके हैं, अभी बाकी आगे भी जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक आपने देख ली है सबमरीन के अंदर। यहाँ पर देखिए आई थिंक ये स्पीड वाला है, कितना फास्ट जाना है, रुक के रहना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पर है। एंड सब जगह लाइट्स ही लाइट्स है तो समझ में नहीं आता। आई थिंक थोड़ा रशियन में भी लिखे हुए हैं, आई एम श्योर उस टाइम पर जो भी सबमरीन थी सब रशिया के साथ या तो बनती थी या रशिया से ही ली जाती थी सेकेंड हैंड। सो दिस इज आई डोंट नो व्हाट दीज डिफरेंट इक्विपमेंट्स मीन, ऑफकोर्स वी डोंट इवन नीड टू नो, बट जस्ट लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसको देखने के बाद जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो सर्व करते हैं, हमारे ब्रेव हार्ट्स जवान्स, उनके लिए रेस्पेक्ट ऑलरेडी है बट अभी और बढ़ जाती है।
चलो आगे चलते हैं, बट हाउ आर यू लाइकिंग इट सो फार, कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, प्लान करना यहाँ पर आने के लिए। तो नाउ लेट्स एंटर द बैटरी चार्जिंग कंपार्टमेंट। बेसिकली डीजल इंजन होता है इस क्लास ऑफ सबमरीन में। अभी तो न्यूक्लियर वाली भी बन रही है, बट डीजल होता है। एंड दैट डीजल इंजन इज़ यूज टू चार्ज द बैटरीज, जिससे फिर ये सबमरीन रन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 हॉर्स पावर का इंजन है फॉर प्रोपल्शन एंड बैटरी चार्जिंग, दोनों ही काम करती है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इमरजेंसी फूड रेशन कंटेनर। 3 दिन के 3 फूड्स हैं यहाँ पर अगर इमरजेंसी हो जाती है तो। भैया यहाँ पर अगर 3 दिन से ज़्यादा की इमरजेंसी होए तो खैर ऐसे ही हालात मुश्किल होने वाले हैं, बट 3 दिन का यहाँ पर रह सकता है। डू नॉट राइट एनी कमेंट्स इन सबमरीन, इफ एनी बडी फाउंड देयर विल बी फाइंड ओनली 500 रुपीज। यार जेल करो यार, दिस इज़ अ नेशनल एसेट। यहाँ पर समबड़ी लव समबड़ी तो नहीं लिख सकते, बट दिस इज़ योर इंजन रूम। एंड अगेन everything is complicated, so why should this be any different? Now we are entering compartment number 6. Let's go over there and see what this is all about. So again more instruments, many more instruments in compartment 6 also. वहाँ पर फ्रेश वाटर स्टोरेज की भी एक जगह दिखी मुझे। आई थिंक वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सबमरीन टूर, बट खैर पूरे सबमरीन में इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गए हम। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को फिजिक्स समझ में आती है, सर्किट समझ में आता है, उन लोगों के लिए शायद काम आ जाइए। सब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस थोड़े थोड़े दिए हुए हैं, बट मैं तो यार कॉम्प्लेक्सिटी देखकर एंड कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा स्पेस कन्फाइनमेंट, आई थिंक दिस इज़ द लिमिट्स ऑफ हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। मेंटल स्ट्रेंथ माइट बी मोर रिक्वायर्ड दैन फिजिकल स्ट्रेंथ। ये देखिए, आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्पेस। स्पेस में भी जब आप जाते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे तो इतने ही छोटे छोटे मॉड्यूल्स कैप्सूल्स होते हैं, एंड यहाँ पर भी वैसा ही। यस वी आर नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एंड, यहाँ पर एग्जिट रहेगा। लेट मी ऑल्सो देन शो यू आउटसाइड, थोड़ा समराइज में कर दूंगा। शाफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग पैनल, इक्विपमेंट्स, मोर इक्विपमेंट्स। ऑलराइट, सो हम कंपार्टमेंट 7 में आ रहे हैं। यहाँ से भी देखिए ऊपर जाने का रास्ता है जो खुला हुआ है, एंड यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। सो दिस विल बी द एंड ऑफ द सबमरीन टूर दैट वी आर गोइंग टू हैव। आई एम जस्ट थिंकिंग कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एवरी रिसोर्स इज सो हाई, जो रेशन है या जो भी पानी है, जो स्पेस है, सब कुछ आपको सोच समझ के यूज़ करना है। इवन एयर, ऑक्सीजन आप वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर ऑन लॉन्ग ड्यूअल्स यू डोंट नो व्हेन यू विल रीसर्फेस। शायद लंबा टाइम भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक वॉर सिचुएशन में हो तो दिस इज एज डिफिकल्ट आई थिंक एज लाइफ कैन गेट। तो हम अब फाइनली एग्जिट पर आ गए हैं। यहाँ पर भी थोड़े शाफ्ट्स है, आई थिंक टॉर्पिडो यूनिट्स यहाँ पर भी है। सो दोनों तरफ जनरली टॉर्पिडो यूनिट्स रहते हैं मिसाइल फायर करने के लिए। एंड दिस इज अगेन द कस्टमाइज एग्जिट दैट हैज़ बीन मेड फॉर टूरिस्ट, जो खुलता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारों पे बे ऑफ बंगाल के। एंड मौसम जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छा है। एंड हियर वी कम आउट, एग्जिट होकर आप यहाँ से, वहाँ से हम एंटर किए थे, ये पूरा सबमरीन हम वॉक थ्रू करके, एंड यहाँ पर हम एग्जिट कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रोपेलर एंड यहाँ सबमरीन का स्टार्ट एंड जो भी आप बोले। या दिस इज़ द सबमरीन दैट वी हैव, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर दैट वी हैव हैड इनसाइड। एंड यू नो, ये देखने के बाद और अंदर एक्सपीरियंस करने के बाद एक ही चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है कि हमें ये काम नहीं करना, लेकिन जो करते हैं आई थिंक दे आर ट्रूली ब्रेव हार्ट, दे आर ग्रेट एंड दे हैव टू बी ट्रीटेड द वे यू नो द हाइएस्ट रिस्पेक्ट शुड बी रिजर्व फॉर देम। क्योंकि इतने मुश्किल कंडीशंस में ऑपरेट करना, वो भी अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वाइल ट्राइंग टू डिफेंड योर नेशन, इट्स फेनोमिनल। एंड दैट्स वाई आई थिंक एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल आर सोल्जर्स, ऑल आर आर्म्ड पर्सनल्स, यू शुड डेफिनेटली विजिट ये वाला जो सबमरीन म्यूजियम है, वन ऑफ इट्स काइंड है। अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा अंदर। इनफैक्ट अंदर थोड़े अमेरिकन भी थे, देवर ऑल्सो वेरी इंट्रीग्ड, एक्साइटेड, मे बी दे हैव ऑल्सो नॉट सीन इट, सीन अ सबमरीन फ्रॉम इनसाइड। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एंड आई थिंक 40 रुपये तो बहुत जस्टिफाइड है, ऑफकोर्स 40 रुपीज़ इज़ नथिंग टू सी दिस एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा मोबाइल से 200 रुपये एक्स्ट्रा लेना थोड़ा ज़्यादा था ज़रूर। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो फोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। आई डोंट थिंक दे टुक एनी टिकट, अंदर किसी ने चेक नहीं किया, लेकिन ठीक है, अपन ने कंप्लाई किया। आपको नहीं करना पड़ेगा अंदर वीडियो नहीं लेना, फोटोज़ का फिर भी खरीद सकते हो, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है, सो दैट्स स्टिल वर्थ वाइल। बट अभी ये वाला जो पूरा टूर था वो ख़त्म हो गया है। अभी मैं ऑपोजिट, यहाँ पर एक प्लेन भी है,
TU-142 नाम की एक आर्मी की प्लेन है, उसका बहुत बड़ा म्यूजियम बना, इससे भी बड़ा, ये तो सिर्फ एक सबमरीन है, उसमें तो प्लेन भी है और बहुत सारा देखने को भी है, वहाँ पर भी जाऊँगा मैं। वो मोस्टली नेक्स्ट व्लॉग बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इस व्लॉग को डाइजेस्ट करने का, समझने का, अप्रिशिएट करने का मौका मिले एंड शेयर भी करने का मौका मिले। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो अरियंत बेद ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और ट्रैवल यहाँ पर प्लान कीजिए। कुछ भी डाउट होगा अगर आपका तो मुझे आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका क्वेरीज, आपके डाउट जो है उनको सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट व्लॉग भी मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ आगे ऑपोजिट जाकर, बट इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगा मैं। पसंद आया हो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड दिस वन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।